लेंस लेंस एक पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है जो दो गोली पृष्ठों अथवा एक गोली एक समतल पृष्ठों से घिरा होता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो होते हैं वो किनारों किनारे पर पतले और बीच में मोटे होते हैं। उत्तल लेंस जो होते हैं वो किनारे पर मोटे और बीच में पतले होते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष है। इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रकाशी केंद्र कहते हैं। चलिए हम प्रकाशी केंद्र की परिभाषा बताते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ये देखिए हमने एक फिगर बनाया, उत्तल लेंस है ये, इसके मध्य बिंदु प्रकाशी केंद्र कहते हैं। यहाँ से एल एल डैश है, जहाँ पर देखिए लीजिए एक पतले लेंस है। प्रकाशी केंद्र लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर प्रकाश की किरणें बिना बिजली हुए सीधे निकल जाती हैं। प्रकाश की किरणें हो रही विचलित नहीं हो रही, सीधे ऐसे निकल जा रही हैं, उसे हम प्रकाशी केंद्र कहते हैं। इन दोनों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं, इसके इस बिंदु को हम प्रकाशी केंद्र कहते हैं। चलिए फोकस तल की परिभाषा। फोकस प्लेन लेंस के फोकस में से होकर जाने वाले अक्ष की लंबवत तल को लेंस को फोकस तल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। लेंस की क्षमता, चलिए इसे हम लिख देते हैं लेंस की क्षमता। फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। जैसे P इक्वल टू 1/f, फोकस दूरी जबकि हमारी मीटर में नापी गई हो। फोकस दूरी मीटर में नापी जानी चाहिए हमारी, मीटर में नापी गई हो। फोकस दूरी का मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। आप लोगों को समझ